तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्ष यूर सीएससी गाइडर पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, जो आपने सीबीएलयू के फॉर्म भरे थे कैंपस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, उसमें आपने जो रिजल्ट अवेटेड में भरा था, अब वो रिजल्ट आपको अपडेट करना है क्योंकि मोस्टली बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं अब तक, तो आपको रिजल्ट अपडेट करना है। रिजल्ट अपडेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा। क्रोम में आपको सर्च करना होगा सीबीएलयू। सीबीएलयू सर्च करने के बाद जैसे आप इस पेज पे आओगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टू एडिट योर डिटेल्स प्लीज़ लॉग इन टू यूर अकाउंट एंड क्लिक ऑन द प्रिंट एप्लीकेशन एंड इन देयर अपर कॉर्नर फाइंड द एडिट बटन टू एडिट योर डिटेल्स एक्सपेक्ट कैटेगरी एंड कोर्सेज क्लिक हियर टू नोटिस। जो इसका नोटिस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है उस। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू विजिट न्यू वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडमिशन 2021, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। ये मैंने हाइड कर दिया है। आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे इस पेज पे आ जाओगे आप। यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी दिखा देगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रिंट पे ऑप्शन करोगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा, क्लिक हियर टू प्रिंट, और यहाँ पे होगा एडिट का ऑप्शन, आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करोगे जैसे ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपको इसमें क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप पे जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे आपको आपके जैसे मान लीजिए रिजल्ट अपडेटेड में किया हुआ था, आपको मार्क्स पर क्लिक करना है, अपने रिजल्ट अपडेट करना है। यहाँ पे आपके जो भी नंबर थे वो यहाँ पे डाल के और स्नैक्स करके सबमिट कर देना है। नेक्स्ट स्नैक्स करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स में अगर चाहो तो डॉक्यूमेंट्स में जो अपडेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लगा सकते हो। यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो पूछा हुआ है यूजी मार्कशीट, आपको यहाँ पे आपकी फाइनल की मार्कशीट लगानी है। मार्कशीट नहीं आई होगी तो रिजल्ट लगाना है यहाँ पे। अगर रिजल्ट में ग्रैंड टोटल नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हो, ये आपको करना होगा। अगर आपसे नहीं होता तो आप साइड, अगर आपके पास में कहीं कैफे है तो वहाँ से करवा सकते हो। अगर आप वो भी नहीं करवा सकते बाय चांस तो आप मेरे को अपना आईडी पासवर्ड दे सकते हो, ये अब मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि आप आपका रिजल्ट कैसे अपडेट करना है। आपको ये रिजल्ट सिर्फ 2 दिन के लिए अपडेट होगा, आपको 2 दिन के अंदर ही अपडेट कराना होगा। 28 और 29 आज जा चुकी है, 29 कल लास्ट डेट है आपकी अपडेट करवाने की। तो दोस्तों कल अपडेट करवा लेना हर हालत में, क्योंकि इसके बाद शायद आपको चांस ना मिले। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।